वैसे तो चाय हजारों सालों से लोगों का प्रिय पेय है, पर ग्रीन टी अभी हाल फिलहाल इतना फैम पा रही है, खासकर भारत में। अपने गुणों के चलते आज ग्रीन टी लगभग हर उच्च और मध्यम वर्गीय घरों की रसोई में स्थान पा चुकी है। ऐसा माना जाता है कि ग्रीन टी की एक सिप हमारी बॉडी को साफ, स्वस्थ और फिर से फ्रेश कर देती है। पर क्या आप जानते हैं कि ग्रीन टी आई कहाँ से और यह कैसे लोगों की खास पसंद बन गई? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि ग्रीन टी आई कहाँ से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। चाय किसी भी तरह की हो, लेकिन वो कैमेलिया सिनेंसिस नाम के पेड़ से ही बनती है। कैमेलिया सिनेंसिस की कई वेराइटी है। मूल रूप से पूर्वी एशिया में उगने वाला यह पौधा एक झाड़ी या पेड़ जितना बढ़ सकता है। वर्तमान में कैमेलिया सिनेंसिस पूरे एशिया भर में उगने के साथ साथ मिडल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ भागों में भी उगता है। यानी न सिर्फ चाय विश्व भर के लोगों की रसोई में पहुंची है, बल्कि इसका पौधा भी दुनिया के कई हिस्सों में उगने लगा है। खास तौर पर ग्रीन टी पूरी तरह से कैमेलिया सिनेंसिस की पत्तियों से बनाई जाती है, जो प्रसंस्करण के दौरान न्यूनतम ऑक्सीकरण से गुजरती है। यानी ग्रीन टी बिना फर्मेंट हुए पत्तों से बनाई जाती है। एक तरफ जहाँ ग्रीन टी चीन की संस्कृति से जुड़ी हुई है, वहीं जापान इसका केंद्र बिंदु रहा है। इसी सफर में अब यह पूरे एशिया में कई संस्कृतियों से जुड़ चुकी है। चीन से शुरू हुआ इसका सफर। ग्रीन टी के चलन को लेकर एक कहानी प्रचलित है। इसके अनुसार एक दिन चीन के सम्राट सेननुंग के सामने रखे गर्म पानी के प्याले में कुछ सूखी पत्तियां आकर गिरी। इनसे पानी में रंग आया और जब उन्होंने उसकी चुस्की ली तो उन्हें उसका स्वाद बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने इसको अपनी पसंद बना लिया और यहीं से शुरू हो गया ग्रीन टी का सफर। ये किस्सा ईसा से 2737 साल पहले का बताया जाता है। सन 350 में चाय पीने की परंपरा का पहला उल्लेख मिलता है। इस तरह ग्रीन टी का उद्गम चीन में ही माना जाता है। चीन के फुंजियान प्रांत में पहाड़ी क्षेत्र में उगाए जाने वाली ऑर्गेनिक चाय का ही स्वरूप है ग्रीन टी। ग्रीन टी पूरे साल उगाई जाती है, पर इसके बेहतरीन कोपल वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतुओं में निकलते हैं। यही कारण है कि उम्दा चाय के लिए पत्तियाँ इसी मौसम में चुनी जाती है। भारत में सबसे पहले सन 1815 में कुछ अंग्रेजी यात्रियों का ध्यान असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया। इससे स्थानीय कबायली लोग एक पेय बनाकर पीते थे। भारत के गवर्नर रहे जनरल लॉर्ड बेंटिक ने 1835 में चाय की परंपरा भारत में शुरू करने और उसका उत्पादन करने की संभावना तलाश करने के लिए एक समिति का गठन किया। इसके परिणाम स्वरूप असम में चाय के बाग लगाने शुरू किए गए और समय के साथ साथ ग्रीन टी भारतवासियों की पसंद बन गई। तो गाइस, कुल मिला के यही था ग्रीन टी का इतिहास। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।